आलिया, हम आपसे जानना चाहेंगे, जब हम क्वेटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो पिछले एडिशन में भी कोई उनकी परफॉर्मेंस इतनी अप टू द मार्क नहीं थी, लेकिन हमें कल उनकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी और ओवरऑल अगर ऑल राउंड हम देखें तो अच्छी परफॉर्मेंस थी। आज आप क्या समझती हैं कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और कल की अगर हम जीत की बात करें, कामयाबी की बात करें, तो व्हाट डू यू थिंक, क्या बेसिक रीज़न थी? मुझे लगता है क्वेटा की जो बॉलिंग है वो उनकी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग, उनके पास स्पिनर्स भी हैं और फास्ट बॉलर्स भी हैं जो हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग की थी। और जिस तरह से उन्होंने बैटिंग में जो उनका स्टार्ट था ना, जो साउथ शकील ने जिस तरह से इनिंग खेली और जेसन रॉय ने जिस तरह से प्ले किया, वो आउटस्टैंडिंग था। मेरे ख्याल से अगर वो इसी स्ट्रेटेजी के साथ जाते हैं तो वो मे भी लाहौर को वक्ते में डाल सकते हैं। अच्छा, हारिस रौफ का मैं थोड़ा सा आपसे जरूर जानना चाहूँगा, बैट पैच बैटर पे भी आता है, बॉलर पे भी आता है। अब कुछ लोगों का मानना यह है कि उसको शायद थोड़ा सा ले ऑफ पीरियड मिलना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, कुछ का है कि नहीं वो करता रहेगा, इम्प्रूव हो जाएगा। हमने देखा कि फील्डिंग करते हुए थोड़े लिथार्जिक नजर आए, फटीग नजर आई बॉडी उनकी। तो आप एज ए प्लेयर क्या समझती हैं, क्या स्ट्रेटजी उनकी इंडिविजुअल हो सकती है या टीम थिंक टैंक क्या सोच सकता है? बिल्कुल, प्लेयर पे बैड पैच आ जाता है, हर प्लेयर पे आता है। तो मेरा ख्याल है कि ये टाइम है उनको, मतलब कि वो यहाँ पे अगर जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उतना जल्दी कम बैक करेंगे। मेरे ख्याल से जैसे मैं खुद दूँ तो मेरे पे भी इस तरह का टाइम आया हुआ है, इतनी दफ़ा आया है। तो उस टाइम पे जितनी मैंने प्रैक्टिस की, अपनी बेसिक्स पे काम किया है, तो मेरे ख्याल से जितना वापस हम अपनी बेसिक्स पे चले जाते हैं उतना हमें एडवांटेज होता है। तो मेरे ख्याल से फिटनेस पे और अपनी बेसिक्स पे दोबारा से काम किया जाए और वो उनको फायदा देगा आगे। तो राशिद भाई से मेरे ख्याल जानते हैं कि ये क्या करते थे बैड पैच पे, फिर उस पे कैसे ओवरकम करते थे? भाई बैड पैच पे ये होता था, अपने आप को ना कमरे में बंद कर देता था और लाइटें पूरी बंद, खबर था कोई भी अगर बल्ब जलाए यहाँ पे, तो अपने आप से बातें करता था। फिर यही चीज आदत हो गई, पहले से 6 महीने बाहर निकला लोग रहे तो पागल हो गया। हालांकि ऐसा नहीं था, इंदी भाई बैड पैच था। इंदी भाई से पूछ रहे थे ना, आपके रूममेट तो रहे हैं, इंदी भाई ऐसे ही करते थे जब इनको बैड पैच आता था? नहीं, असली वाले के रहे ना उन्हें क्या पता। ये इन्होंने सही कहा है कि जी आप है ना कमरे में चले जाएं, लाइटें बंद करें, अपने आप से बात करें, ये बड़ा जरूरी है बैड पैच में पूरे वक्त के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बड़ा जरूरी है। सारे प्लेयर्स, मोस्टली प्लेयर्स है ना इस तरह करते हैं कि जिस टाइम होते हैं ना वो अपने से बात करते हैं कि जी क्या हो रहा है, अपने अच्छे वक्त को याद करती है और इस चीज में करते हैं। और जहाँ हारिस रौफ की बात हो रही है ना, एक तो लाहौर कलंदर वाले ना अफोर्ड नहीं कर सकते उसको बाहर बिठाने, बिल्कुल पहली चीज, क्योंकि जी क्योंकि उनका प्लैटिनियम का प्लेयर है, मेन प्लेयर्स है, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वरना ये कि जी अगर आपके पास दूसरे खिलाड़ी हो के अच्छे, अगर आपके पास ये वाली अपॉर्चुनिटी हो कि दूसरों को चांस दे दिए, जिससे वो आप बैड फॉर्म हो रही हो ना, सो अगर आपको 2-4 दिन का रेस्ट मिल जाए ना, सो आप ना सोचने के बाद के कमरे में जाके लाइटें बंद करके अपने आप से बात करके आप कमबैक कर सकते हैं। अच्छा, सीरियस परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आई। शुरू में ना मैं मान नहीं रहा था, मैंने कहा यार अकेले में यार ऐसे तुझसे बात करनी है, मैंने कहा नहीं मैं नहीं करनी, मैंने नहीं करनी, खुद से ही नाराज भी हो रहा हूँ, क्यूट भी बन रहा हूँ। क्यूट तो आप है, क्यूट तो आप बहुत हैं, बस अल्लाह ताला में माफ करे इतना झूठ बोलने पे। ये बताइएगा राशिद भाई, इस बात पे ब्लश किया है इन्होंने? हाँ, वैसे ब्लश भी करते हैं, लेकिन आपको कैसे नजर आ रहा है ब्लश? पिंक हुआ हूँ मैं।